दिवलापार के विश्व हिंदू परिषद संस्थान में गोपाष्टमी कार्यक्रम में किसान बंधुओं का विश्व हिंदू परिषद एवं गोपाष्टमी आयोजन समिति की ओर से कार्यक्रम में आयोजन किया गया एवं किसान बंधुओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गौ पूजन, धरती पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसी के साथ अतिथियों का परिचय एवं प्रास्ताविक प्रकल्प के सचिव सनत कुमार गुप्ता ने किया। अपने प्रास्ताविक में सनत गुप्ता ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य और प्रकल्प ने इस क्षेत्र में किए हुए कार्यों की जानकारी दी। किसी के साथ सुभाष शर्मा यवतमाल इनका मान्यवरों के हाथों शाल श्रीफल व कामधेनु कृषि अनुसंधान सम्मान पत्र देकर सत्कार किया गया। इसी प्रकार जिले के अंतर्गत जैविक व सेंद्रीय खेती करने वाले 31 किसानों का शाल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर सभी प्रमुख अतिथियों ने किसानों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष परमेश गुप्ता ने कहा कि अपने जीवन में गाय का क्या महत्व है इसका जानकारी दी। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसी प्रकार जैविक उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। उपस्थित लोगों ने इन स्थानों से काफी खरीदारी की। कार्यक्रम का संचालन पुरुषोत्तम डडमल मंगल प्रसाद घुगे ने किया। आभार प्रदर्शन हितेंद्र चोपकर ने माना। हम अगर छोटे रहते थे तो किसी ने कहीं हाथ लगा दिया, हम बोलते कि मराठी में बोलते बीटा है ना, तो बोलते इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, गो माता का गो मित्र संपर्क। गो माता इतनी पवित्र है लेकिन हम ही सब उसके गुनहगार है, कोई नहीं है, मैं हूं, आप है। यह समग्र मैं समझता हूं कि कितने वर्षों की तपस्या का फल है कि आज 31 किसान यहां उपस्थित हैं, सपरिवार उपस्थित है, जो बेहद दुर्लभ नजारा है। आज से 3 साल पहले हम ढूंढते थे कि यहाँ जैविक खेती कौन करता है। केसरी उजाला न्यूज के लिए दिवलापार से शरद गुप्ता की रिपोर्ट।